काकोरी यह सिर्फ यूपी का एक कस्बा नहीं है बल्कि यह वह जमीन है जिस पर 9 अगस्त 1925 को हुई ये घटना ने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसका दी। यह किस्सा उन भारतीय क्रांतिकारियों के सीने में धधकती ज्वाला का है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को यह बता दिया कि वह उनकी सेना के सामने तनिक भी कम नहीं है। न चाहूं मान दुनिया में न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा पढ़े चाहे करोड़ों दो, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में हो आना। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की यह पंक्तियां आज भी भारतवासियों के मन में ओझ भरने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित इस घटना को जिम्मेदार भूलते जा रहे हैं। आलम यह है कि दशकों बाद भी काकोरी शहीद स्मारक अपने विकास का इंतजार कर रहा है। आश्वासनों की बात की जाए तो हाल ही में 4 सालों पहले भी काकोरी को पर्यटन स्थल बनाने की कवायद तेज की गई थी, जिसमें तत्कालीन डीएम राजशेखर ने पर्यटन विभाग को एक पत्र भी लिखा था और स्मारक को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की सिफारिश भी की थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी यह महत्वपूर्ण स्थल देखरेख के अभाव में विकास का इंतजार कर रहा है। 9 अगस्त 1925 की वह घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत के सीने में नश्तर घुपने का काम किया, आज उन सभी शहीदों की शहादत सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई है। आलम यह है कि हर साल 9 अगस्त और 19 दिसंबर को यहाँ मेले का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन उससे इतर विकास की कोई पहल यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आती। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर, वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। डकैती नहीं विद्रोह का वार था काकोरी कांड। भले ही आज तक की सभी सरकारें काकोरी शहीद स्मारक को लेकर कोई ध्यान ना दे रही हों, लेकिन आज भी वह जमीन उस शहादत को बयां कर रही है कि आखिर किस तरह चतुर दुष्फैले पराधीनता के बादल और निराशा से घने अंधकार को चीरते हुए भारत माँ के वीर सपूतों ने सर पर कफन बांधकर अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटा। 8 अगस्त 1925 को तैयार रणनीति के बाद 9 अगस्त को 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर प्रवेश किया, जिसके बाद जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे चली राम प्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन की चेन खींच ली और चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को कब्जे में लेकर 8,000 रुपये की धनराशि को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद तकरीबन 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक चले मुकदमे के बाद 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी को 17 दिसंबर 1927 और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। वहीं अन्य 15 क्रांतिकारियों को कैद की सजा सुना दी गई, जिनके चित्र आज भी काकोरी शहीद स्मारक में लगे हुए हैं। मुख्य स्थल से कुछ ही दूरी पर है स्मृति उद्यान। काकोरी शहीद स्मारक से कुछ ही दूरी पर शहीदों की शहादत में काकोरी शहीद स्मृति उद्यान का निर्माण करवाया गया है।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ पर विकसित इस उद्यान का शिलान्यास 21 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और मंत्री आवास, नगर विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की उपस्थिति में किया गया था, जिसका लोकार्पण 25 अगस्त 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा किया गया। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। ये पंक्तियाँ उन शहीदों के दर्द को बयां करने के लिए काफी हैं, जिसका एक सूचक ये काकोरी शहीद स्मारक भी है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर शहीद के दर्द का वो एहसास सिर्फ दर्द मात्र ही रह जाता है। यह वाकई देश के लिए चिंता का विषय है। रिपोर्ट गौरव शुक्ला। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।